विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, स्क्वेयर रूट वन प्लस स्क्वेयर रूट वन प्लस एक्स इक्वल्स क्यूबिक रूट एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या क्या होता है हमें फाइंड करना है, ठीक। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे एज क्यूबिक रूट एक्स इक्वल्स सपोज वाई। देन अगर दोनों साइड में क्यूब किया तो एक्स का वैल्यू क्या आता है, देन एक्स इक्वल्स वाई टू द पावर ऑफ थ्री बाई का, कि यहाँ पर भी क्यूब लो, यहाँ पर भी पावर में क्यूब लो, तो ये दोनों कट हो जाएगा, एक्स इक्वल्स वाई क्यूब, राइट। तो एक्स इक्वल्स वाई क्यूब और क्यूबिक रूट एक्स इक्वल्स वाई, जहाँ एक्स है वाई क्यूब रखो, जहाँ क्यूबिक रूट एक्स है यहाँ पर वाई पुट करेंगे। तब ये गिवन जो है वो ये जो है ये क्या बनेगा, स्क्वेयर रूट वन प्लस स्क्वेयर रूट वन प्लस एक्स, एक्स मीन्स वाई क्यूब है यहाँ पर, वाई क्यूब इक्वल्स क्यूबिक रूट एक्स मीन्स वाई होता है वाई क्यूब। तो यहाँ पर अभी स्क्वेयर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे। अगर स्क्वेयरिंग किया दोनों तरफ तो ये स्क्वेयर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो और यहाँ पर भी स्क्वेयरिंग कर दो, तब ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा वन प्लस रूट स्क्वेयर रूट वन प्लस वाई थ्री इक्वल्स वाई स्क्वेयर, राइट। तो ये प्लस वन नहीं, वो साइड में लाओ, तो ये साइड में लाया तो हमें मिलेगा वन प्लस स्क्वेयर रूट वन प्लस वाई थ्री इक्वल्स ये वाई स्क्वेयर, ये साइड में लाया तो नेगेटिव वन बनता है। तो अगेन यहाँ पर स्क्वेयर रूट है, ये अगर हमें निकालना है तो अगेन वन टाइम स्क्वेयर रूट दोनों तरफ हम स्क्वेयर रूट के बोथ साइड करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तब अभी हम यहाँ पर से स्क्वेयर रूट अगर निकालना है तो ये स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर दोनों गया, तो यह बनता है वन प्लस वाई टू द पावर ऑफ थ्री इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वन, और इसे माइनस वन होल स्क्वेयर, ठीक है। तो ये वन क्यू वन है राइट साइड में, तो इस वन को मैं वन क्यूब बोलता हूँ इसके, तब ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा बन रहे, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ए इज़ वन है, बी इज वाई है, तो यहाँ पर क्या बनता है, वन ए प्लस बी मीन्स वन प्लस वाई टाइम्स वन स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मीन्स वाई बनता है वन इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो इक्वल्स यहाँ पर वाई स्क्वेयर माइनस वन होल स्क्वायर है, तो सेम रख लो वाई स्क्वेयर माइनस वन होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वाई स्क्वेयर माइनस वन होल स्क्वायर है, वन को मैं स्क्वेयर करता हूँ तो ये बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का आइडेंटिटी हमें मालूम है, ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वेयर्स। अगर ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किया तो ये बनते हैं, ये वन प्लस वाई को वाई प्लस वन करेंगे, राइट, और इसे वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन करेंगे, वन स्क्वायर मीन्स वन ही होता है इक्वल्स वाई स्क्वेयर माइनस वन स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा किया, तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी मीन्स वाई माइनस वन टाइम्स वाई प्लस वन, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर ऊपर का जो है वो स्क्वायर कर दो, तो इसको सेपरेट कर दो, तो अभी वाई प्लस वन टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स वाई माइनस वन होल स्क्वायर टाइम्स वाई प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक। अभी ये जो है पूरा ये लेफ्ट साइड में लो, तब ये बनते हैं वाई प्लस वन टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन माइनस वाई माइनस वन होल स्क्वायर टाइम्स वाई प्लस वन होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स जीरो। वाई प्लस वन यहाँ पर भी है, वाई प्लस वन यहाँ पर भी, यहाँ पर दो है वाई प्लस वन, तो एक वाई प्लस वन कॉमन बाहर ले लेंगे,
तभी यहाँ पर मैं वाई प्लस वन मैं बाहर कॉमन ले लूँगा, तभी अंदर क्या बच रहा है यहाँ पर वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन, ये तो बचेगा माइनस टाइम्स ये वाई माइनस वन होल स्क्वायर कंप्लीट बच रहे, और यहाँ पर ओनली वाई प्लस वन रिमेनिंग रह रहे हैं। दो वाई प्लस वन है तो एक वाई प्लस वन कॉमन बाहर ले लिया मैं, इक्वल जीरो। ये वाई माइनस वन होल स्क्वायर ये माइनस बी होल स्क्वायर की जैसा है, वो ओपन कर लो। तो ये लेफ्ट साइड में जो वाई प्लस वन है ये याद जो रखो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, राइट। तो यहाँ पर वाई माइनस वन होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई टाइम्स ये वाई प्लस वन इक्वल जीरो। तो वाई प्लस वन से इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाई प्लस वन टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन, और अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वाई टाइम्स वाई स्क्वेयर मीन्स वाई क्यूब होता है, और प्लस वाई माइनस टू वाई स्क्वेयर, और प्लस से किया तो प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन माइनस टू वाई इक्वल जीरो। तो ये बनेगा वाई प्लस वन टाइम्स वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन है, सेम रखो माइनस टाइम्स, यहाँ पर वाई क्यूब एक ही है एक रख लो, माइनस टू वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर है तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस टू वाई प्लस वाई मीन्स माइनस वाई रहेगा, और ये प्लस वन सेम है सेम रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करो इक्वल जीरो, ठीक। ये माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तभी ये आ जाएगा वाई प्लस वन टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस वाई क्यूब, ये जो भी अंदर का है साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन है, माइनस वाई क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये प्लस वाई स्क्वायर बनेगा और ये प्लस वाई बनता है और ये माइनस वाई बनता है इक्वल जीरो, ठीक है। यहाँ पर बनेगा ये माइनस वाई है ये प्लस वाई है तो ये दोनों कट हो जाएगा, और ये प्लस वन है यहाँ पर माइनस वन है ये दोनों भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनते वाई प्लस वन टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी टू वाई स्क्वायर और माइनस वाई क्यूब इक्वल जीरो, ठीक है। ये बनते y प्लस वन टाइम्स टू वाई क्यूब वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर ये दोनों में है तो हम मैं वाई स्क्वायर इसमें कॉमन लेता हूँ तो टू माइनस वाई रिमेनिंग रहेगा इक्वल जीरो, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जीरो का तीन फैक्टर्स मिल रहे हैं, y प्लस वन इक्वल जीरो एक मिल रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल जीरो एक मिल रहे हैं, और 2 माइनस वाई इक्वल्स जीरो एक मिल रहे हैं, ओके। तो ये राइट साइड में अगर लिया तो y इक्वल्स नेगेटिव वन है, और ये वाई स्क्वायर का दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो y इक्वल जीरो आ जाएगा, और ये इक्वल्स y इक्वल्स क्या आ जाएगा पॉजिटिव टू आ जाएगा, यानी y के अंदर माइनस वन जीरो और टू आ जाएगा टू आ, तो x इक्वल्स हमें वाई क्यूब हमें लिया है लेट किया है तो ये y जहाँ भी है माइनस वन पुट कर दो तो x का वैल्यू हमें मिलेगा माइनस वन होल क्यूब, तो x इक्वल्स माइनस वन होल क्यूब मीन्स माइनस वन टू द पावर ऑड है तो माइनस वन का टू द पावर ऑड मीन्स नेगेटिव वन आते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है नेगेटिव वन। तो हमें एक सॉल्यूशन मिला इस फर्स्ट केस में x इक्वल्स माइनस वन, तो इस सेकेंड केस में देखो y इक्वल जीरो यानी हमें और x इक्वल्स वाई क्यूब ये ले लो तो x जहाँ भी y है जीरो रखो तो x इक्वल्स हमें x का वैल्यू चाहिए तो जीरो क्यूब होता है तो x का वैल्यू जीरो बन रहा है, तो सेकंड का मिला x इक्वल जीरो, और यहाँ पर भी x इक्वल्स y क्यूब हम ले लेंगे और यहाँ भी y है टू उसको पुट कर दो तो x का वैल्यू हमें मिलेगा टू क्यूब यानी x इक्वल्स एट, तो हमें x का वैल्यू तीन मिल रहे हैं, x इक्वल्स एक मिला नेगेटिव वन, दूसरा मिला x इक्वल जीरो, तीसरा मिला x इक्वल्स पॉजिटिव एट, ये तीनों वैल्यू हमें x का वैल्यू फाइंड करना था, राइट। तो इस क्वेश्चन का तीन सॉल्यूशंस मिला हमें, लेकिन हम यहाँ पर क्या किया था
दो बार हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया है इधर, ठीक है। तो दो बार, एक बार यहाँ पर किया, यह पर यहाँ पर किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, और ये पर यहाँ पर किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया तो सम प्लस होने का चांसेस रहता है, तो वो अगर हुआ तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यूज मिला है, तीनों सॉल्यूशंस मिला है, हम चेक करेंगे, चेक करके हम देखेंगे कि ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशंस को सेटिस्फिशिएंट होता है या नहीं होता है। तो वेरीफाई अगर करना है तो दो ओरिजिनल इक्वेशन में जो हमें वैल्यू मिला है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल क्या है, स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स इक्वल्स क्यूबिक रूट एक्स, वो नोट डाउन कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये वैल्यू हम पुट करके देखेंगे माइनस वन। अगर इसमें माइनस वन पुट किया तो देखो आप क्या होता है इसमें, अगर इसमें माइनस वन पुट किया तो ये बनते हैं वन प्लस स्क्वायर रूट वन माइनस वन, राइट। तो इक्वल्स एक क्यूबिक रूट होता है क्या, यहाँ पर भी वन, एक्स की जगह में माइनस वन, सॉरी माइनस वन ही है। तो ये बनते हैं वन प्लस, ये तो स्क्वायर रूट वन माइनस वन में जीरो बनते हैं, स्क्वायर रूट निकल गया तो यहाँ पर जीरो बनते हैं। तो इक्वल्स क्यूबिक रूट माइनस वन मीन्स माइनस वन ही बनते हैं। तो यहाँ पर क्यूबिक रूट वन स्क्वायर रूट वन मीन्स वन होते हैं, वन इज़ इक्वल टू यहाँ पर माइनस वन आ रहा है, बट वी नो दैट वन इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, राइट। तो हम इसे ये इस इक्वेशन को जो एक्स इक्वल्स माइनस वन जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो इसलिए हम एक्स इक्वल्स माइनस वन जो है, जो हमें एक्स इक्वल्स माइनस वन मिला है, इसे हम क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड, राइट। तो ये रिजेक्ट हो गया। सेकेंड वन एक्स इक्वल जीरो पुट करके देखेंगे, तो इस सेकेंड केस एक्स इक्वल्स जीरो, अगर एक्स के जगह में जीरो पुट किया तो ये बन रहे हैं स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस जीरो इक्वल्स क्यूबिक रूट जीरो, ठीक। तो ये बनते हैं वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस जीरो में स्क्वायर रूट वन ही होते हैं, इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्यूबिक रूट जीरो, क्यूबिक रूट जीरो में जीरो ही होते हैं। तो यहाँ पर रूट वन मीन्स वन ही होते हैं, तो यहाँ पर वन प्लस वन यानी स्क्वायर रूट टू आते हैं, दिस इक्वल जीरो, यानी स्क्वायर रूट टू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ सेकेंड केस में भी हम यहाँ पर इसे भी इस इक्वेशन को सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टेड। अभी बाकी बचा एक्स इक्वल्स एट यानी थर्ड केस। थर्ड केस में देखो, तो x के जगह में आप जहाँ भी x दिख रहे एट पुट कर दो, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो स्क्वायर रूट वन प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस एट इज इक्वल टू क्यूबिक रूट एट। तो ये बनते हैं वन प्लस स्क्वायर रूट, यहाँ पर वन प्लस एट मीन्स नाइन बनते हैं, इक्वल्स क्यूबिक रूट एट मीन्स एट टू द पावर वन थर्ड। तो ये बनते हैं स्क्वायर रूट वन प्लस रूट नाइन मीन्स यहाँ पर थ्री बनते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर टू टू द पावर ऑफ थ्री होल टू द पावर ऑफ वन थर्ड। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर फोर बनेगा इक्वल्स क्वेश्चन मार्क टू टू द पावर ऑफ, ये दोनों कट हो गया तो टू टू द पावर ऑफ वन ही रहेगा, तो इनमें टू स्क्वायर रूट फोर मीन्स यहाँ पर टू बनते हैं, टू इक्वल्स टू, यस ट्रू, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो एट मिला है ये इस इक्वेशन का वैलिड सॉल्यूशन है, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।